हाय गाइस, मैं हूं अश्वनी मौर्या और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अश्वनी मौर्या ओमनीपोटेंट। तो आज मैं पावर टिलर में रोटावेटर भी लगाया हूं और रोटावेटर के साथ हेंगा भी इधर पीछे लगाया हूं देसी जुगाड़ से। और ये पहले जो कि बैल में काम आने वाला ये यंत्र था, तो ये जो है कि इसका मैं हेंगे में प्रयोग कर रहा हूँ, यानी पाटा, जिसको पाटा लोग बोलते हैं। तो मैं लोग कहते हैं कि ये देखिए विदाउट पाटा के चलाया गया है। तो आप आगे इधर देख सकते हैं, ये जो बीच में सूखा ज़मीन टाइप है, ये बिना पाटा का ही रोटावेटर से सिर्फ जोता गया था। और रोटावेटर से जोता गया था तो ये भी प्लेन है, और रोटावेटर जब भी जोतता है तो ये प्लेन अपना एक लेयर बना के जोतता है। तो इस छोटे रोटावेटर में टिलर में कोई दिक्कत नहीं होता है पाटे का, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी देसी जुगाड़ से पाटा लगाया गया है। लोग कहते हैं कि पाटा की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, उसके बावजूद लोगों के मन में संतुष्टि नहीं होती है कि रोटावेटर से जोतने के बावजूद भी जो है कि कहते हैं लोग कि रोटावेटर के साथ पाटा होता तो और अच्छा होता। तो ये हम जो है कि मिट्टी को दूसरी बार हम जोतते हैं, और दूसरी बार जोतने के साथ साथ इस पाटे पे हम एक एक ईंट यहाँ जो है कि बांधे हुए हैं। और आप जो है कि अगर आपको पाटे की वजन को बढ़ाना है, यानी आपका पाटा समथल नहीं सही रूप से कर रहा है, तो आप दो दो ईंट, तीन तीन ईंट वजन बढ़ा के पाटे को भारी बना सकते हैं। और भारी होने की वजह से वह आपकी मिट्टी को समतल करता जाएगा और दबाता जाएगा। तो मैं आपको स्टार्ट करके जोत के एक दो राउंड दिखाने वाला हूं। तो आइए मैं अब फटाफट स्टार्ट करता हूं। एक राउंड हम और दिखा रहे हैं, ये पीछे कैसे पाटा दे रहा है ये देखिएगा। मैं अभी फिर एक राउंड और घुमाने वाला हूँ, और देखिए ये किस प्रकार से पाटा दे रहा है देखिए। गाइस, हम इस पावर टिलर की सहायता से इसमें पाटा लगा के पाटा दिए हुए हैं। पीछे आप देख सकते हैं रिस्पांस कैसा पाटा दिया गया है, खेत कितना समतल आ रहा है। तो ये आप बीच में देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैं वहाँ से गया हूँ और यहाँ से आया हूँ, तो यहाँ कितना समतल मिट्टी हो चुकी है। तो पावर टिलर में इस सहायता से आप जो है कि पाटा लगा सकते हैं। और ये देखिए जो है कि पावर टिलर है और इसमें जो है कि पाटा लगाया गया है, और पाटे पे दो ईंट का वजन दिया गया है, और पाटा लगाने से भी समतल हो रहा है क्योंकि पाटा भी अपना वर्क कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कितनी मिट्टी जुटी हुई है, तो ये मिट्टी को घिसता हुआ समतल करते हुए आ रहा है। तो अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक आपने हमारे चैनल अश्वनी मौर्या ओमनीपोटेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक देखने के लिए।